दोस्तों नमस्कार। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो आप इस बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों हमारे जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। रीजन होता है कब, जब हम कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कोई ना कोई कारण जरूर होना चाहिए उसके लिए। रीजन इज ऑलवेज बिहाइंड द विजन। विजन तभी बनता है जब कोई रीजन होता है। दोस्तों एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पुराने टाइम में एक गांव होता था जिसमें बहुत सारे लोग रहते थे। करीब 100 लोगों का गांव था और वो अच्छे से मिलजुल के रहते थे। गांव में लाइट नहीं होती थी, लेकिन गांव लाइट नहीं होती थी फिर भी लोग अपने सीधे घर पहुंच जाते थे। किसी का झगड़ा नहीं होता था, कोई कंप्लेन नहीं होती थी, कोई क्लैश नहीं होता था, लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही थी। तभी किसी एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने शहर जाकर एक लालटेन ले आया। लालटेन जब वो लेकर गांव आया तो लोगों ने उसे देखा, अरे भाई ये तो लालटेन है, ये तो रोशनी में हो गया, हम तो अंधेरे में जी रहे हैं। तो वो उसे ईर्ष्या करने लगे, वो सोचने लगे कि क्या करना चाहिए कि ये भी वापिस अंधेरे में आ जाए। उन लोगों ने, यानी कि 99 लोगों ने, एक आदमी तो लालटेन ले आया था, 99 लोगों ने मीटिंग की कि या तो इसकी लालटेन हम चुरा लें, तोड़ दें, क्या करें। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर चुराएंगे तो फिर जलाएंगे तो पता लग जाएगा कि लालटेन जला रहे हैं, वो मेरी ही लालटेन है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस लालटेन को तोड़ दें। क्यों किया डिसाइड? इसलिए कि हो सकता है उनको भी शहर जाना पड़ेगा, सभी को शहर तक जाना पड़ेगा, सभी को पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जो एक मुश्किल काम था उनके लिए। मुश्किल काम करना बड़ा मुश्किल होता है, और आसान काम यह था कि उसकी लालटेन को हम चुरा लें। सोचो दोस्तों, वो लालटेन वाला आदमी कौन था? वो लालटेन वाला आदमी आप हैं। क्योंकि आपको लोग आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, आपकी सक्सेस नहीं देख सकते हैं। आपके पास एक रीजन है, आप चाहते हैं कि आप रोशनी में रहें, आगे बढ़ें, लेकिन उन लोगों के पास कोई रीजन नहीं है, वो आपको पीछे खींचते हैं। आप आगे जाना चाहते हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे लाइफ में जो आपको पीछे खींचेंगे। आपको ऐसी संगति में नहीं रहना चाहिए। अगर वो चाहते 99 लोग, उनमें से कुछ लोग आपको ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ना चाहते थे और वो चाहते हैं कि आप भी वहीं पर रहें जहां पर वो खुद है। तो इसलिए अच्छी संगति का चुनाव करिए और एक लाइफ में जीने का रीजन रखिए। रीजन ऑलवेज बिकम द विजन, बिकॉज देर इज ए डिफरेंस बिटवीन आई साइट एंड माइंड साइट। आई साइट क्या होती है? देखने की क्षमता और दिमाग की क्षमता। आंखें तो वहीं तक देख सकती हैं, कहां तक देख सकती हैं? जहां तक हमें नजर आ रहा है, यानी कि एक बड़ा हाल है, हाल तक नजर आ रहा है। लेकिन माइंड, विजन, वो वहां तक देख सकता है जहां तक आंखें कभी देख भी नहीं सकती है। तो जो लालटेन वाला आदमी था उसकी जो माइंड साइट थी वो ज्यादा थी। गांव वाले सिर्फ वही देख पा रहे थे जहां तक उनको दिखाई दे रहा था, लेकिन लालटेन वाला आदमी अब माइंड साइड से देख रहा था, उसका विजन था, वो दूर तक देख सकता था। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, कमेंट करें और लिखें कि आप और क्या सुनना चाहते हैं, आपको किस तरह की वीडियो पसंद है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।